नमस्कार दोस्तों, रुद्रिया सेंटर में आपका स्वागत है। महा मेट्रो भर्ती 2021 अप्लाई करें 139 टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और अदर पोस्ट के लिए, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वैकेंसीज निकाली है। इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो है 139। नीचे आते हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 21/1/2021, ठीक है। अब देखिए 21/1/2021 ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वैकेंसीज निकाली है। पद का नाम स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर S1, सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल IT, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल, टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल फिटर सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स AC एंड रेफ्रिजरेशन, ठीक है। ये सभी पद है और टोटल वैकेंसी जो है वो है 139। भारत के सभी उम्मीदवार इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपके महाराष्ट्र में रहेंगे। अप्लाई आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे दी गई है, आप सैलरी पढ़ सकते हो। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और सिविल के लिए 30-33 हज़ार से लेके 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी रहेंगी। और सेक्शन इंजीनियर्स की 40 हज़ार से लेके 1,25,000 के बीच में सैलरी रहेंगी। नीचे आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। नीचे आते हैं, आप यहाँ पे आके पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। अब आते हैं ट्रेनिंग पीरियड पे, यहाँ पे आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है वो है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सभी के लिए अलग अलग है, आप यहाँ पे आके पढ़ लीजिएगा। इन शॉर्ट आपको बता दूँ मैं कि यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ITI, ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, ये सभी व्यक्ति इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं फीस, UR, OBC और EWS के लिए 400 रुपये है इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, ठीक है। और आपको बैंक चार्जेस प्लस सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा। SC ST वुमेन के लिए 150 रुपये है, इसमें आपको बैंक चार्जेस और सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा। और ये जो फीस है वो है नॉन रिफंडेबल फीस है, तो आपकी फीस वापस नहीं की जाएंगी। आपका आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आके सबसे लास्ट में है अप्लाई करने की लिंक, अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले जो लिंक है अप्लाई लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा। और सेकंड जो है वो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्लिक 1 और क्लिक हियर 2, यहाँ पे लिखा है। आप दोनों भी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, दोनों में कुछ चेंजेस है, आप पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाओगे। और जो थर्ड है वो है ऑफिशियल वेबसाइट, महा मेट्रो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक है। तो यही था आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।